hello children once again i welcome you to my youtube channel well today's video is actually a part of the formal letter writing and the first part i have already uploaded it on youtube and this is the second and final part and in the first part we discussed about the formal letters types of formal letters. even we did one example of letter to the editor. and today, my dear children, we'll be discussing about the other types of formal letters and we'll see the examples of each type of formal letters so that we may have a clear idea of Formal letter writing. I hope you will be able to understand this concept. So, today we will be discussing about first of all letter of inquiry. So, earlier in the previous video we discussed about letter of editor and today we will be discussing about letter of inquiry. So, first of all let me tell you what is this letter of inquiry.

विषय पर जानकारी लेने के लिए किसी खास विषय पर इंफॉर्मेशन लेने के लिए एंड यू विल गेट ए क्लियर आइडिया यू विल सी दिस एग्जांपल एज ए हेल्थ कॉन्शियस पर्सन यू हैव नोटिस्ड एन एडवर्टाइजमेंट इन ए न्यूज़पेपर ऑन योगा क्लासेस इन योर नेबरहुड राइट अ लेटर इन हंड्रेड टू वन ट्वेंटी वर्ड्स टू द ऑर्गेनाइजर योगा फॉर पब्लिक आर के पुरम न्यू डेली

ये जो योगा क्लासेस हैं इसका नाम है योगा फॉर पब्लिक और ये जो योगा क्लासेस का ऑफ़िस कहाँ पर है आर के पुरम न्यू दिल्ली और आपको इन्हें एक लेटर लिखना है ये जानने के लिए कि भैया आपके पास कौन कौन से कोर्सेज़ हैं और भी योगा क्लासेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको लेना है और आप श्वेता या फिर श्रीकर हैं और आपका एड्रेस भी यहाँ पे दिया हुआ है 15 आर के पुरम न्यू दिल्ली सो so फाइनली हमारे पास सेंडर्स एड्रेस है सेंडर्स नेम भी है हमारे पास रिसीवर्स एड्रेस भी है किसको लिखना है वो भी हमको पता है द ऑर्गेनाइजर सब्जेक्ट क्या है वो भी हमको पता है हमें योगा क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट uh, करनी है सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस एग्जाम्पल सी हमने कैसे स्टार्ट किया 15 आर के पुरम न्यू डेली दैट इज देंडर्स एड्रेस सबसे ऊपर सेंडर्स एड्रेस है

with reference to your advertisement in the times of india dated 5 august uh, 20 whatever kuch aap maan sakte year ke sense mein wahan cross bhi sakte i would like to tell you that i wish to join the yoga classes organized by you kindly furnish the following details duration of the course timing of the classes number of persons in each batch

हमने सबसे पहले यह कहा कि हमने आपका एडवर्टीज़मेंट देखा न्यूज़पेपर में कौन सा न्यूज़पेपर वो भी हमने मेंशन किया द टाइम्स ऑफ इंडिया में और उसके बाद हमने अपनी इच्छा व्यक्त की कि हम आपकी योगा क्लास क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं एंड आफ्टर दैट वी हैव आस्ड फॉर सर्टन डिटेल सर्टन इन्फॉर्मेशन वॉट इज़ दैट ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हमें ड्यूरेशन पता करना है कितने महीने का कोर्स है एंड टाइमिंग ऑफ द क्लासेज ओके that is another important aspect number of person in each batch that is another aspect any special class for girls then the most important point that is what fee structure fees ke me mein idea so uh, you should not uh, you know uh, make this letter of inquiry very lengthy make it short and simple okay and to the point we need to be very formal because it is a part of formal letter a formal letter may hum bahut खींचताछ कर बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी हमको और हमको एकदम टू दी पॉइंट बात करनी है शॉर्ट एंड सिंपल बात करनी है ताकि हमारी बात अगले व्यक्ति को समझ में आ जाए देन एट लास्ट हमने क्या लिखा आई एम अवेटिंग एन अर्ली रिप्लाई फ्रॉम योर एंड और मैं आपके रिप्लाई का वेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ सो दैट आई मे ज्वाइन एज अर्ली एज पॉसिबल ताकि मैं जल्द से जल्द जो ज्वाइन कर सकूँ सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लेटर ऑफ इंक्वायरी एंड

कि आप ये इस लेटर ऑफ इंक्वायरी को ऐसे ही स्टार्ट करेंगे कि आई आई सॉ योर एडवर्टीज़मेंट आई केम अक्रॉस योर एडवर्टीजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया ऐसा ज़रूरी नहीं है आप ये भी लिख सकते हैं आई हैव हर्ड फ्रॉम अदर सोर्सेज ठीक है मैं बाकी लोगों से आ, मुझे इस बात की जानकारी मिली है आप किसी भी प्रकार से आप स्टार्ट कर सकते हैं

normally now nowadays we don't place an order via letter because you know now we are in a you know fast-moving world where technology is on its peak right? but rather we would prefer you know simply going there and you know uh, discussing with the manager face to face and then we place an order or we simply you know place an order on अमेजॉन और फ्लिपकार्ट सम लाइक दैट लेकिन अगर आपको लेटर के माध्यम से कोई चीज़ को खरीदनी है और खरीदने के लिए कैसे आप लेटर लिखोगे दैट इज वॉट प्लेसिंग एन ऑर्डर इज ऑल अबाउट ओके सो सी हाउ योर हाउ यू हैव टू राइट द क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू इट इज़ ऑन योर स्क्रीन यू आर निशा द म्यूजिक टीचर ऑफ सेंट जोजफ्स कॉन्वेंट स्कूल कानपुर यू नीड सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द स्कूल

ओके फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद द सेंडर्स एड्रेस सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट स्कूल कानपुर ये आपका पता हो गया सेंडर्स एड्रेस देन देन वी विल विल मेंशन मेंशन द द डेट डेट हैव दिस रिसीवर्स एड्रेस विद द सेल्स मैनेजर म्यूजिक गैलरी सिविल लाइंस कानपुर ओके देन 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 विल 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 लीव वन लाइन राइट दिस सब्जेक्ट व्हाट इज सब्जेक्ट सिंपल सब्जेक्ट आपको बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखना है प्लीज मेक श्योर योर सब्जेक्ट शुड बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज और इट शुड नॉट एक्सीड मोर देन वन वन लाइन यू नो एक लाइन से ज्यादा लंबा सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए शॉर्ट रखिए तो क्या है आपका सब्जेक्ट प्लेसिंग इन ऑर्डर फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ओके नाउ विल स्टार्ट लेटर थैंक यू फॉर द कैटलॉग यू हैड सेंट अलॉन्ग लेटेस्ट प्राइस लिस्ट नाउ माई चिल्ड्रन यहां पर आप देखिए कि हम कैसे लेटर स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे लेटर ये स्टार्ट कर रहे हैं कि थैंक यू सो मच आपने हमको अपने सारे प्रोडक्ट्स का कैटलॉग भेजा जिसमें सारे चीज़ों की प्राइस लिखी हुई थी तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है इसी सेंस में प्लेसिंग एंड ऑर्डर स्टार्ट करोगे आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो कि यू नो योर्स और यू नो योर इंस्टीट्यूशन और योर शॉप और यू आर नोन फॉर यू नो डिलीवरिंग क्वालिटी प्रोडक्ट and you are one of the most famous shops uh, in the Kanpur area. So, आप किसी भी तरीके से start कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि यही beginning होनी चाहिए ये तो एक example है आप ऐसे भी start कर सकते हैं That depends upon you, ठीक है So now what is it? After going through, we would like to place an order for the following items. So देखिए my dear children, whenever uh, you write this letter placing an order placing an order वाला letter जब भी आप लिखोगे तो आप इस तरीके से table बनाकर प्रोडक्ट्स और क्वांटिटी का डिटेल्स अगर आप दोगे तो दैट वुड पुट यू नो गुड इम्प्रेशन ऑन द एग्ज़ामिनर जो कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर्स होते हैं उनके ऊपर एक अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है तो सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा का, आप एक टेबल बनाइए एक बाकायदा प्रोडक्ट्स क्वांटिटी और तब इस चीज़ को मैंशन करिए नाउ यू हैव प्लेसड योर ऑर्डर द प्रोडक्ट्स आर कैशियो तबला हारमोनियम एंड सितार एंड यू हैव मैंशन द कोांटिटी ऑल्सो फोर कैशियो सिक्स तबलास टू हारमोनीम एंड टू सितार

स्वीट एंड सिंपल, शॉर्ट आपने अपनी बात रखी और आपने अपनी बात खत्म कर दी और दैट इज वॉट दिस लेटर ऑफ लेटर रिगार्डिंग प्लेसिंग एंड ऑर्डर इज ऑल अबाउट वन मोर थिंग मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन दे कमिटे ब्लैंडर एंड वॉट इज दैट वो योर्स में अपोस्ट्रफी लग देते हैं जब आप लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज खत्म करते हैं वहाँ पर योर्स ट्रुली जहाँ पर लिखा है कई बच्चे क्या करते हैं योर्स में अपोस्ट्रफी एस लगा देते हैं दैट इज़ वन हंड्रेड परसेंट सो वहाँ पर आप अपोस्ट्रफी एस नहीं लगाएंगे दिस इज वॉट द एग्जाम्पल ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इस तरीके से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं ओके सो दिसर टाइप ऑफ फॉर्म लेटर दैट इज लेटर ऑफ कंप्लेन्ट ओके सो कुल मिला के जितने भी हैं दिस इज द लास्ट वन इन फैक्ट और इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं लेटर ऑफ कंप्लेंट किस सेंस में लिखा जाता है जब आप शिकायत करते हो किसी चीज को लेकर और ये uh, वैसे अमूमन किस किस संदर्भ में होता है फॉर एग्जाम्पल आपने कोई सामान खरीदा और उसके बाद उसमें कुछ डिफेक्ट uh, आ गया एंड यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट इट्स अ न्यू प्रोडक्ट इन दैट केस यू राइट दिस लेटर ऑफ कंप्लेंट आपने फॉर फॉर इंस्टेंस यू बॉट ए न्यू स्मार्टफोन बट विद इन अ फ्यू डेज यू सम सॉर्ट ऑफ यू नो प्रॉब्लम इन दैट स्मार्टफोन सो इन दैट केस यू विल राइट अ लेटर ऑफ कंप्लेंट यू नो सो दैट इज़ वॉट दिस ऑल अबाउट सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द एग्जाम्पल You are Ravi Oblik Ravina, a resident of Alambag, Lucknow. You bought a pair of shoes from uh, shoe line uh, Halwasia Mar Market, Rakab Ganj, Lucknow. On unpacking them, you found to your surprise that both the shoes are meant for your right foot. Write a letter of complaint to the manager of shoe line asking for replacement at their cost. Now, what is happening? Naam diya, Ravi Raveena. और आपका एड्रेस भी दिया है रेसिडेंट ऑफ आलमबाग रेसिडेंट रेजिडेंट मीन्स निवासी कई uh, बच्चे क्या करते हैं कि सेंडर्स एड्रेस में पूरा लिख देते हैं रेसिडेंट ऑफ आलमबाग दैट इज़ वेरी रॉन्ग रेसिडेंट ऑफ ये कभी नहीं लिखना ये निवासी हैं आप इट मीन्स यू आर ए रेसिडेंट ऑफ़ दैट एरिया यू हैव टू ओनली राइट आलमबाग लखनऊ सो प्रॉब्लम क्या हुई आपने इस दुकान से हलवसिया मार्केट शू लाइन शॉप दुकान का नाम है वहां से आपने शूज खरीदे लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि जब आपने पैकेट खोला फाइनली तो आपने क्या देखा है कि दो तो पेयर ऑफ शूज जो उसके अंदर है वो दोनों आपके राइट पैर के हैं लेफ्ट पैर का एक नहीं है तो अब आपको रिप्लेसमेंट करवाना है इसलिए आप उसके लिए जो है एक लेटर लिख रहे हैं मैनेजर को ओके सो लेट्स सी हाउ टू राइट दिस आलमबाग लखनऊ सेंडर्स एड्रेस है देन वी हैव दिस डेट Then we have the manager uh, receiver's address with de designation, the manager shoe line, Halwasiya market, Rakab Lucknow. Subject kya hai complaint about defective pair of shoes. So no, simple complaint a simple short subject. Sir, so, through this letter of mine, I wish to inform you that I had purchased a pair of shoes on the receipt number 10579 from your shop on 25th July 20. सो so बेसिकली ऐसे जब लेटर ऑफ कंप्लेंट आप करते हो लेटर ऑफ कंप्लेंट जब आप लिखते हो माय डियर चिल्ड्रन प्लीज़ नोटिस वन थिंग यू शुड बी वेरी एक्यूरेट रिगार्डिंग योर इन्फॉर्मेशन तो अगर आप अपने लेटर uh, में रिसीप्ट uh, नंबर कैश मेमोन नंबर अगर ये सब मेंशन करोगे तो लेटर आपका और ज्यादा इफ़ेक्टिव और ज्यादा वो रियलिस्टिक लगेगा और एग्जामिनर उस पर और अच्छा मार्क्स देते हैं आप सीधा लिख दो कि हमने आपके दुकान से जूता ख़रीदा है उसको चेंज करना है बट दैट वुड नॉट पुट यू नो गुड इम्प्रेशन ऑन द एग्जामिनर तो लेटर शुड बी रियलिस्टिक ऐसा लगना चाहिए कि लेटर आपका जो है वाकई में आप एक रियल सेंस में लेटर लिख रहे हो तो उसको जितने ज़्यादा आप रियलिस्टिक कर सकते हो उतना आप करिए उसको तो आपने डेट मेंशन कर दिया यहाँ पे ट्वेंटी जुलाई को आपने लिया अपना रिसीप्ट नंबर मेंशन कर दिया ताकि वो अपना जो है कैश मेमो खोल के एक बार चेक कर सकते हैं हाँ भैया है, इस तारीख को इस नंबर का जूता गया था कि नहीं तो उनको भी श्योरिटी मिल जाएगी इवन यू हैव मैंशन द ब्रांड नेम ऑल्सो इट इज़ ऑफ एक्स वाई जेड ब्रांड तो ये जो एक्स वाई जेड है या फिर हमने ट्वेंटी एक्स एक्स किया है ये आप कर भी सकते हैं और आप इसके करने के बजाय बाकायदा आप किसी ब्रांड का नाम भी मैंशन कर सकते हैं ईयर भी मैंशन करते हैं कर सकते हैं नॉट अ बिग डील ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको कैसे लेते हैं बट इसमें कोई इश्यू नहीं है कि ये गलत है गलत बिल्कुल नहीं है यह आपके ऊपर आप जैसा भी आप इसको करिए ऑन अनपैकिंग द बॉक्स एट होम आई फाउंड दैट बोथ दूज आर फॉर राइट फूट और जब घर पर आप जाके अपने पैक खोला तो आपने देखा कि दोनों जूते जो उसके अंदर रखे थे वो राइट फूट uh, के थे आई देर फॉर रिक्वेस्ट यू टू काइंडली रिप्लेस द पेयर विद्यू वन और रिफंड मनी तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई या तो आप रिप्लेस कर दो और अगर आपके पास नहीं है या कोई प्रॉब्लम है तो यू बेटर रिफंड द मनी पैसे लौटा दो आई विल बी थैंकफुल इफ़ द मैटर कैन बी अटेंडेड एट दी अर्लीस्ट सो मैं बहुत आपका शुक्रगुजार रहूँगा अगर मेरी ये समस्या जल्द से जल्द जल जल सुलझ जाएगी थैंकिंग यू योर्स ट्रूली रवि ऑब्लिक रवीना ओके सो वेरी सिंपल आपने शॉर्ट में अपनी बात कही अगले व्यक्ति को और आपने लेटर भी ख़त्म कर दिया सो इन दिस वे यू आर सपोज टू राइट लेटर ऑफ कंप्लेंट सो आई होप कि आपको समझ में आया है कि कैसे लेटर ऑफ कंप्लेंट लिखा जाता है प्लेसिंग एन ऑर्डर कैसे लिखा जाता है उसके बाद लेटर ऑफ इंक्वायरी टू द एडिटर एंड लेट मी टेल यू माईड चिल्ड्रन यू नो दिस लेटर राइटिंग इज अ वेरी स्कोरिंग पोर्शन एंड यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स यू नो इफ यू हैव ए प्रॉपर आइडिया अबाउट द फॉर्मेट एंड हाउ टू स्टार्ट एंड हाउ टू एंड and uh, how to you know uh, make that letter more effective in that case you know you, you you will definitely get good marks you know so i hope that this formal letter writing is very clear to all of you still if you have any confusion or any doubt you can ask me in the comment section and i'll be responding to your queries so uh, that was all from this uh, video i hope you have understood this video so thank you take care and god bless you